और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा हैदर और अंजू के बाद अब गजल भी एक बड़ी पहेली बन चुकी है। 17 साल की नाबालिग लड़की कैसे इंस्टाग्राम पर एक पाकिस्तानी लड़के के ट्रैप में फंस जाती है, परिवार से झूठ बोलती है और कैसे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक वो पहुंच जाती है, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या पाकिस्तान सोशल मीडिया पर बैठकर हैंडलर किसी खास मकसद के साथ भारत की लड़कियों को लगातार अपने जाल में फंसा रहे हैं, और क्या इसके पीछे हनी ट्रैप का कोई बड़ा गेम प्लान भी हो सकता है क्या, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सोशल मीडिया पर आशिक पाकिस्तानी, निशाने पर हैं बेटियां हिंदुस्तानी। असलम लाहौरी ने बरगलाया, गजल को बुर्का पहनाया। सरहद पार से खतरनाक साजिश, टारगेट पर हैं भारत की नाबालिग। पाकिस्तान में हनी ट्रैप के हैंडलर, सोशल मीडिया पर एक्टिव पेडलर। सीमा हैदर का प्यार पबजी से शुरू हुआ था, अंजू का प्यार फेसबुक पर परवान चढ़ा था, गजल की असलम से दोस्ती भी इंस्टाग्राम पर ही हुई थी। तो क्या ये महज संयोग है या फिर सरहद पार भारत की बेटियों को फंसाने के लिए साजिश का बहुत बड़ा प्रयोग? ऐसा इसलिए क्योंकि असलम ने सिर्फ गजल से दोस्ती नहीं की, बल्कि गजल की दो क्लासमेट के साथ भी सोशल मीडिया पर नजदीकियां बढ़ाई। पुलिस की पूछताछ में गजल ने साफ साफ कहा कि असलम की दोस्ती उसकी दो सहेलियों के साथ भी है, वो उनके साथ भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चैट करता है, जिसके बाद पुलिस सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल निकाल रही है। नहीं, अभी हम इसका, जब तक इसका सोशल अकाउंट्स नहीं मिलेंगे तब तक ये कहना हमें अभी वो नहीं, हम इसकी गहनता से जांच करेंगे। और इसकी और भी एक दो जो क्लासमेट्स हैं उनके भी ये बताइए कि उनकी भी दोस्ती है वहाँ, तो उस दोस्ती के हिसाब से वो हमने बात करी उनसे और बात करने घूमने चली जा रही हूँ। मतलब पाकिस्तान में बैठे असलम लाहौर के टारगेट पर केवल सीकर की गजल नहीं थी बल्कि उसकी दो सहेलियां भी थी। असलम लाहौरी इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप कर उन दोनों लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहा था। असलम ने ही गजल को एयरपोर्ट पर फर्जी कहानी सुनाने के लिए कहा था, जिसके बाद गजल पढ़ाई का बहाना बनाकर घर से निकली और बस पकड़कर सीधे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। पाकिस्तान की नहीं रहने कर राजस्थान की रहने वाली है और इसका एक सोशल मीडिया अकाउंट से, इंस्टाग्राम से एक लड़के से दोस्ती हुई। उस फ्रेंडशिप में उसने चैटिंग के दौरान बताया तो एक आपस में मिलना चाहा, तो मिलने के लिए लाहौर आ जाइए, एयरपोर्ट पे आ जाइए और एयरपोर्ट से आप टिकट लेके लाहौर आ जाइए। पहले अंजू और फिर गजल, इन दोनों मामलों के बाद पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही साजिश का पर्दाफाश होने लगा। खबर है कि पाकिस्तानी एजेंसियां भारत में हनी ट्रैप का जाल फैला रही है, जिसके लिए भारत की लड़कियों को ट्रैप में फंसाया जा रहा है। पाकिस्तानी हैंडलर पहले दोस्ती और फिर प्यार का झांसा दे रहे हैं, लड़कियों को पाकिस्तान आने के लिए मजबूर किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि पाकिस्तान में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए भारत की बेटियों को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अंजू की पाकिस्तान में कैसे खातिरदारी हो रही है, जिससे उन्हें अपने जाल में फंसाया जा सके। अंजू और गजल के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों के भारत में हनी ट्रैप का जाल फैलाने का शक गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के जिस असलम लाहौरी के ट्रैप में नाबालिग लड़की थी, उस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। असलम के निशाने पर दो और लड़कियां थी। उसके बाद में असलम लाहौरी का सोशल मीडिया अकाउंट और प्रोफाइल खंगाला जा रहा है।
एजेंसियों को शक है कि छात्राओं को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया जा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। सीमा से शुरू हुआ ये किस्सा अंजू के बाद अब गजल तक पहुंच गया है। भारत की जांच एजेंसियां पूरी गंभीरता के साथ इन मामलों की पड़ताल में जुट गई है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं और कोई अंजू या गजल तो इस टाइप के ट्रैप का शिकार नहीं हो रही। तो पाकिस्तान के असलम लाहौरी ने कैसे अलग अलग इंस्टाग्राम आईडी बनाकर गजल और उसकी सहेलियों को अपने जाल में फंसाया, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अब आपको ये कैसे पूरा ट्रैप किया गया ये अब आपको बताते हैं। देखिए, एक किरदार तीन चेहरे इसके सामने आए। प्रोफाइल नंबर वन जिसमें नाम था असलम लाहौरी और प्रोफाइल नंबर टू यानी कि जो दूसरी प्रोफाइल बनाई वो इरफान के नाम से बनाई गई। आप ये समझिए, जब लड़के से पूछताछ की गई, गजल से जब पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि दरअसल पाकिस्तान से ये पूरा ऑपरेट किया जाता था। तीन इंस्टाग्राम अकाउंट थे, अलग अलग इंस्टाग्राम अकाउंट, और प्रोफाइल नंबर तीन का नाम था चिंटू, जो लगातार अलग अलग लड़कियों से भारत के अंदर बैठकर बातें किया करता था। और इनमें कई सारी जो लड़कियां थी वो गजल की ही सहेलियां बताई जा रही हैं। अब क्योंकि पूछताछ आगे बढ़ रही है, ये तीन प्रोफाइल अभी तक की सामने आ चुकी है, यानी कि वो पहले दोस्ती करता था और फिर उस दोस्ती के बाद कैसे उन्हें जाल में फंसाता था, दबाव बनाता था और उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि असलम लाहौरी ने ही जयपुर में पकड़ी गई लड़की का नाम गजल रखा था और उसे बुर्का खरीदने एयरपोर्ट जाकर लाहौर का टिकट लेकर पाकिस्तान आने तक के लिए कहा था। यानी कि ये पूरा ट्रैप कैसे यहाँ पर बिछाया गया अपने जाल में फंसाने के लिए। अलग अलग जो लड़कियां थी उनके साथ दोस्ती की जाती थी। अब इन सबके बीच में आज गजल और असलम की चैटिंग का एक स्क्रीनशॉट भी सामने आ चुका है, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, दरअसल ये स्क्रीनशॉट है जिसमें साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं जिसमें क्या कुछ गजल ने कहा है, क्या कुछ असलम की तरफ से कहा गया है। असलम की तरफ से कहा गया सुनो, जिसका जवाब जो है ये कहा गया कि व्हाट्सएप में बात कर लो या फिर इंस्टा पे बात कर लो, जो असलम की तरफ से कहा गया। यानी कि उसके बाद देखिए, जब वो निकलने की बात होती है तो फिर वो लड़की कहती है, यानी कि गजल कहती है कि मैं नहा के सामान पैक करके चली जाऊंगी, मैं खुद ही आपको मैसेज कर लूंगी, उसके बाद किसी के फोन से ओके। यानी कि वो ये बता रही है कि मैं अब यहां से निकलने के बाद में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करूंगी किसी तरीके से, उसके बाद वो उसे इन्फॉर्म कर देगी कि वो निकल चुकी है। लेकिन देखिए दबाव कैसे बनाया गया, जैसे ही गजल ने कहा, उसने कहा असलम ने कि व्हाट्सएप डिलीट कर दो,